फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे $500 पे करना चाहता है, नथिंग लाइक दैट। द ओनली थिंग इज दैट कि जब हम किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं ओके, तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है हर एक चीज की ओके। तो इसलिए अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को भी रन कर रहे हैं उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, उसका स्टाफ है, उसके सर्वर्स हैं, उसका डाटा है, उसका स्टोरेज है, उसका ये है वो है, तो एवरी थिंग काउंट्स ओके okay? तो अगर जितना हम जो जो कर रहे हैं तो वो चीजें काउंट हो रही हैं, तो उनका कहने का मतलब ये था कि हजारों हजारों लाख लाख डॉलर एक्चुअल में यहाँ पे लग रहे हैं ये सब चीजों को फ्री देने के लिए, बट आपको फ्री मिल रही है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इस लेवल के अगर प्लेटफॉर्म हमें फ्री मिल रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में जब पेड हो जाएंगे तो फिर लोगों को मालूम चलेगा कि ओ ये तो फ्री हम इतने इतने महीने से यूज कर रहे थे। तो इसलिए ये मोहम्मद कमाल ने आके बात कही थी ओके, बट डेफिनेटली इसमें कोई फिगर नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मिसलीड करता है ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट है, जनरल बात होती है वो बात है, दैट्स इट जी। ठीक है, लेकिन बड़ा बड़ा लीडर है जिसको हम लोग मेंटर कहता है, वो लोग भी मीटिंग में, बारह मीटिंग में जो मीटिंग अभी कौन कहता है, कौन सा लीडर कहता है, उसका नाम लेके आया करिए। मैं आपको देखिए पहले बात अनूप सर का जो अर्चना गोंदे सर का वो लोग देखिए देखिए मेरी एक बात सुनिए ओके। अगर कोई स्पेसिफिक बात होती है कि अगर जैसे मैंने बोला कि जनरल के ऑपरेशनल कॉस्ट है ओके, तो ऑपरेशन कॉस्ट है बिल्कुल, वो डलती है हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर डलती है। तो अगर उन्होंने ऐसे बोला है कि यस ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, दैट इज ओके, दैट इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्पेसिफिक है तो वो गलत है ओके, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट तो सब चीजें में डलती है। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो कॉस्ट डल रही है, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपना यहाँ पे जूम के ऐश भी पैसे दे रहे, सब दे रहे हैं, बट ये ऑपरेशनल कॉस्ट है सारे प्रोसेस को रन करने के लिए। तो अगेन मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि चीजों को थोड़ा सही लिया कीजिए। मैं भी कई बार चीजें थोड़ी इधर की उधर बोली जाती हैं, बट उसका मतलब ये नहीं होता कई बार कि वो है, बट अगेन मुझे नहीं मालूम कि क्या किसने क्या कहा। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो सकती है वो आप दे सकते हो, बट आई डोंट नो किसने क्या कहा। बट यस ऑपरेशनल कॉस्ट जरूर पड़ती है हर एक चीज के ऊपर, वो कुछ भी चीज है, चाहे आपका घर भी है, आप अपना घर चला रहे हो तो वहां कॉस्ट डल रही है बहुत सारी चीजों की जी। लेकिन सर वो लोग मीटिंग में कहता है $500 फिक्स्ड कर दिया, यानी $500 में तो 40,000 लगभग, उससे ज्यादा हर मीटिंग में अगर 40,000 करेगा तो कहां से इतना पैसा आएगा सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अगर ऐसा बोला गया है तो प्लीज वो गलत बोला गया, फिक्स कुछ नहीं है, यस ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। और क्या है, और जो तुषार जी मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, दिलन सर आपको जवाब दे रहा है, प्लीज आप अपने सवाल के बाद वो जवाब सुनने की भी प्रयास करें प्लीज। ओके मैडम, दिलन सर प्लीज करिए। ओके सो प्लीज आप, कोई बात नहीं, अगर आपने सुना आप उनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने क्या कहा है ओके। सो इसलिए बट यस ऑपरेशन होती है फिक्स, कैसा कुछ भी नहीं है, ना मिस्टर ऐश ने फिक्स बोला है, ना ही कुछ ऐसा मोहम्मद कमाल ने बोला है। ऑपरेशनल कॉस्ट जरूर है, वो डलती है। अगर आपको लगता है कि किसी लीडर ने ऐसे बोला तो आप उनके साथ क्लैरिफाई करें कि ऐसा बात नहीं है, आप भी उनको बता सकते हैं जी। ओके सर, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ सर कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ना, जैसे कोई भी बात आपने सुनी है उसका वीडियो आप भेजिए हमें या दिलन सर को भेजिए, हम भी सुनेंगे, क्योंकि आपने क्या, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, थोड़ा फर्क हो सकता है कभी भी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे आंसर तो नहीं दे पाएंगे, तो बेटर है कि आप उनको उस ऑडियो को हमें भेजिए और सुनेंगे, उसके बाद हम लोग आपस में पर्सनल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आप पर्सनली पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर आपको भेज दूंगा, इसका जानकारी लेना था, लेकिन कहाँ से जानकारी लेगा, वो तो हम लोग को कुछ लाइन नहीं है इसके लिए। आप मुझे भेजिए, मैं बात कर लूंगा। ठीक है आपको आपको मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके नोट, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू तुषार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट है ओम प्रकाश जाधव सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपने सवाल को आप थैंक यू मैम, आप सभी को नमस्कार। मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं सर, एक के बाद एक थोड़ा सा आप जवाब दे देना, और पल्लवी मैम पूरे क्वेश्चन होने के बाद ही मुझे म्यूट करना, नहीं तो पता चले कि पहले ही आप म्यूट कर दो। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपसे भी और एस सर से भी कि इस कैंसल मेंबरशिप को आप इस बटन को हटाई दो वहां से, क्योंकि मेरी टीम से तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस
दुख को उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने 3 साल 4 साल बेसब्री से इस पर डिपेंड होकर इंतजार किया है और किसी न किसी डिफॉल्ट की वजह से यदि मान लो उसको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उसको पैसा या तो हो सकता है कि आ भी गया हो नहीं भी आया हो लेकिन उसकी इच्छा तो नहीं है ना कि मैं इस मतलब मेरी फाउंडरशिप चली जाए कि बहुत बड़ी आज मैं 35 महीने 3 दिन से ऑन पेस्यू में हूँ पूरा डिपेंड होके 100% सिर्फ मतलब माँ बाप खाना पीना सब ओन पेशों के साथ में सपने भी ओन पेशों के देखता हूँ। अब यदि किसी न किसी कारण से किसी सिस्टम में आपने कहा कि ग्लिच आ गया कुछ हो गया यदि बाय डिफॉल्ट मेरा ऐसा कुछ हो गया तो मुझे बताओ कि मेरा कौन हेल्प करेगा मैं किससे बात करूंगा और यही कि हाँ ठीक है देखेंगे सपोर्ट पे डालो मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी ना सर। मेरी टीम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जिस व्यक्ति का भी जिसने उसके मन से यदि कैंसर मेंबरशिप दबाई हो तो ठीक है उसका तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन जितनों के भी ऐसा हुआ है तो उनको किसी भी तरह से वापस से उसके फाउंडिंग मेंबर से उससे मिलना चाहिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है सर। और दूसरा कि जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात कर रहे थे वो गिरने वाले हैं तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो गिर चुके हैं या अब गिरेंगे। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कैंसिल मेंबरशिप का बटन क्यों है वहां पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक जब हम मिस्टर शॉन पेसी को बना रहे यहाँ पे लीगैलिटीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। ओके तो लीगैलिटीज में ये भी आया था कि हम जबरदस्ती किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते या कुछ भी नहीं हम वो करेंगे तो इसीलिए वहां पे एक कैंसिल मेंबरशिप का बटन भी दिया गया है कि यहाँ पे हम किसी को जबरदस्ती नहीं रख रहे किसी से हम लोग जबरदस्ती पैसे नहीं ले रहे ये ओनली एंड ओनली आपकी विश है। अगर आपको लगता है कहीं कहीं पे कि यस आपको गलत डिसीजन ले लिया या तो उस टाइम मुझे 97 दे दिए पता नहीं वापस मेरे आएंगे नहीं आएंगे तो इसलिए स्व इच्छा से वहां पे एक बटन डाल दिया गया है जहां की ठीक है जब भी आपका दिल करे आप उसको वहां से ले सकते हो कैंसिल करके अपने होशोहवास में पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का ऐसे ग्लिच के कारण कुछ ऐसा हुआ है तो वो एक जस्ट टाइनी पार्ट है। ओके वो बहुत कम है वो रेयर चांस है वो कहीं पे भी होता है वो। ओके तो रेयर चांस है वो कोई ज्यादा नहीं कि अगर 1.4 मिलियन हम लोग हैं तो उसमें से 5 लाख लोगों का ऐसा हो गया नहीं ऐसा नहीं है वो जस्ट 5, 10, 15, 20 लोगों के इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके दैट इज सिस्टम वो सिस्टम अपने आप देख लेगा कि अगर रिक्वेस्ट नहीं आई है या कुछ चाहिए तो वो सिस्टम अपने आप उसको चेक कर लेगा या हम लोग रिमाइंड करवा सकते हैं मिस्ट्रेस को कि ऐसा तो वो देख लेंगे। ओके सो इसीलिए अगर वो बटन वहीं पे रहेगा जिसको जाना है वो अपना स्वेच्छा से जाए इसलिए वो बटन वहां पे डाला गया है। इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण है इसलिए वो बटन को वहां पे डाला गया। ओके नाउ द सेकंड थिंग इज कि मिस्टर एश ने बोला कि बहुत सारा कुछ नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत सारी अनाउंसमेंट बड़ी वाली होने वाली है। यस अभी वो होने वाली है अभी मतलब वो नहीं हुई है। ओके